ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ च्यवनप्राश। बैद्यनाथ च्यवनप्राश, कमजोरी के छक्के छुड़ा दे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की लाजवाब शतकीय पारियों से भारत विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में किवी टीम पर हावी हो गया है। मिड मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 398 रन का लक्ष्य रख दिया है। भारत ने 50 ओवर में 397 रन बनाए। अपनी ऐतिहासिक पारी के बाद विराट कोहली ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम आपको वही बताते हैं। विराट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कमाल करने के बाद कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, एक सपने जैसा है। विराट ने कहा, खैर मैं महसूस कर रहा हूँ। फिर उस महान व्यक्ति ने मुझे बधाई दी, ये एक सपने जैसा लगता है, इतना अच्छा कि यकीन कर पाना मुश्किल है। हमारे लिए बड़ा खेल है और मैंने भूमिका निभाई ताकि टीम के खिलाड़ी आकर खुद के तरीके से खेल सके, खुद को एक्सप्रेस कर सके। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी टीम को जीत दिलाना है। मुझे इस टूर्नामेंट में एक भूमिका दी गई है और मैं गहराई तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही निरंतर रहने की भी है। विराट कोहली ने साफ कहा कि वो लगातार कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रख रहे हैं, उसके लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, स्थिति के अनुसार खेलना, टीम के लिए खेलना, ये सब जो हो रहा है सपने के जैसा है। सचिन पाजी वहाँ स्टैंड्स में थे, मेरे लिए इसे व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। मेरी जीवन साथी, मेरा हीरो, वह वहाँ बैठे थे और वानखेड़े में ये सभी प्रशंसक। 400 तक पहुँचना वाकई आश्चर्यजनक है। श्रेयस को बहुत सारा श्रेय दिया जाना चाहिए, खेल ने इसे तेजी से खत्म किया। जी हाँ, विराट कोहली ने ये तमाम बातें मिड इनिंग में कही, जब भारतीय टीम की पारी के बाद भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतरने वाली थी। मुकाबले की अगर बात करें तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इस मैच में पहले बैटिंग का फैसला किया। ये फैसला कप्तान रोहित ने खुद सही साबित कर दिया। उन्होंने शुरुआत से अटैकिंग क्रिकेट खेला और मैच 29 गेंदों पर 47 रन कूट दिए। हालांकि 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही रोहित 47 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल दूसरा एंड थामे खड़े रहे। उनके साथ आए विराट कोहली, दोनों ने आसानी से पारी को आगे बढ़ाया और रन रेट भी नहीं गिरने दिया। हालांकि इसके बाद शुभमन गिल 79 रन की पारी खेल रिटायर्ड हर्ट होकर लौट गए, लेकिन यहां भी विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 164 रन की ऐसी पार्टनरशिप की, किसी भी क्षण ऐसा नहीं लगा कि किवी टीम हम पर हावी हो रही है। उन्होंने अपने वनडे करियर का 50वां शतक भी पूरा किया। विराट कोहली ने मुकाबले में 117 रन बनाए। उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 105 रन का योगदान दिया। आखिर में केएल राहुल ने नाबाद 39 रन बनाया और भारतीय टीम 397 रनों का पहाड़ पर खड़ा करने में कामयाब रही। या अब देखते हैं कि वे टीम इस लक्ष्य को हासिल करती है या नहीं, या फिर भारतीय टीम आसानी से फाइनल में एंट्री कर जाती है। विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक, उसके बाद विराट कोहली ने बेहद खास बातें कही हैं, लेकिन ये तो बात हो गई क्रिकेट की। क्रिकेट से इतर आप देश दुनिया की खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल द ललन टॉप को देखते रहिए। शुक्रिया। आई लव यू भाई, क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सर सवाल क्या था? सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल एक बात सुन, ये ललन टॉप का इवेंट है तो ललन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बगैती, स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था, सर कहीं तो खिलवा दो। सर बड़ो चुपचाप, तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, उन्होंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जा। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है ललन टॉप अड्डा, फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।